हेलो दोस्तों, टेक के जिस में आपका स्वागत है। मैं हूं कुणाल गुत्रा। आज की अपनी अपडेट होने वाली है, व्हाट्सएप स्टेटस को डाउनलोड कैसे करें। सिंपली कोई भी बंदा अगर व्हाट्सएप स्टेटस को डाउनलोड करता है तो उसके लिए वो थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करता है, फिर उसमें जाकर उस व्हाट्सएप स्टेटस को डाउनलोड करता है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी सेटिंग बताने जा रहा हूँ जो सेटिंग आपके एंड्रॉइड मोबाइल में ऑलरेडी है। अब आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप को डाउनलोड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो तो उससे आपके मोबाइल में का जो सिक्योर डाटा है वो भी चोरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो कौन सी सेटिंग है और वो कहाँ जाके मिलेगी, यह मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो व्हाट्सएप के स्टेटस कैसे डाउनलोड करें बिना थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड किए। सिंपली हर मोबाइल में एक सेटिंग्स होती है, फाइल मैनेजर या माई फाइल्स, जहां अपना डाटा स्टोरेज होता है। तो आपको वो खोल लेनी है जहां पर आपका स्टोरेज हो। उसके बाद आपको क्या करना, आपका जो इंटरनल स्टोरेज है उसको खोल लेना है। इंटरनल स्टोरेज हो या एसटी कार्ड का जो आपका स्टोरेज है वो खोल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली हर मोबाइल में आप खोलने के बाद आपको एक फाइल मिलती है एंड्रॉयड नाम से। जैसे आप इस एंड्रॉयड को क्लिक करोगे, वहां पे आपको बाद में खोलना है मीडिया। फिर आपको मीडिया खोलने के बाद फिर आपको खोलना है whatsapp.com। खोलने के बाद फिर एक फाइल आ गई, उसको फिर खोलना है। उसको खोलने के बाद आपको नीचे फिर मिलेगा मीडिया। तो आपको मीडिया खोलने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है इसे साथ साथ। आप ऐसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके व्हाट्सएप पर जिन जिन भाइयों ने प्रेजेंट टाइम में व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा रखा है तो सारे स्टेटस आपको यहाँ शो हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ जिसको भी अगर आपको डाउनलोड करना है या कॉपी करना है तो आप यहाँ पर ऐसे करके क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेना है और आपको इसी फाइल में जाके उसको कहीं भी कॉपी कर देना है, तो ये स्टेटस वहाँ सेव हो जाएगा। इसके लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको एक सेटिंग्स करनी पड़ेगी। बहुत सारे भाइयों के पास ये वाले ऑप्शन नहीं दिखते, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और आपको सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ एक फाइल है सो हिडन सिस्टम फाइल्स या हिडन फाइल्स को ऑन करके रखना है। ये बंद हो गया, यहाँ से इसको ऑन करके रखना है। ऑन करके रखने के बाद आपके ये जो मैं जो सेटिंग्स बता रहा हूँ प्रॉपर वैसे की वैसी दिखेगी। आपको सबसे पहले क्या खोलना था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एंड्रॉइड खोलना है, उसके बाद मीडिया खोलना है, उसके बाद .com खोलना है, उसके बाद व्हाट्सएप खोलना है, फिर आपको नीचे नीचे मीडिया मिलेगी उसको खोलना है और उसके बाद आपको खोलना है इसे साथ। वहाँ पे आपको इसके इसे साथ मिल जाएंगे। इस तरीके से आप किसी का भी व्हाट्सएप का इसे साथ सेव कर सकते हो बिना किसी थर्ड पार्टी ऐप को यूज किए बिना। और इस तरीके से आपका मोबाइल भी सिक्योर रहेगा, आपको व्हाट्सएप भी सिक्योर रहेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे टेक्निकल टिप्स देने वाला हूं जिससे आपका मोबाइल भी सिक्योर रहेगा, आपका डाटा भी सिक्योर रहेगा और आप कुछ जो चीज़ें होती है जो एंड्रॉइड ने जो नए नए फंक्शन दे रखे हैं उस फंक्शन के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को फिर बोल रहा हूं लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।